नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जंगली परवर का पौधा लेकर आया हूं, जिसे पटोल नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पटोल के दो प्रजाति होते हैं, यानी परवर के दो प्रजाति होते हैं, एक होता है मीठा परवर और दूसरा होता है कड़ू परवर। दोस्तों मीठे परवर को सब्जी के रूप में हर कोई खाता है सब्जी बनाकर, लेकिन कड़ू परवर को कोई नहीं खाता है क्योंकि वह कड़ू होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जंगली कड़ू परवर को कोई नहीं खाता है, खाते हैं लोग बीमार होने के बाद, क्योंकि यह कड़ू परवर जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है, दवाई है, कई रोगों को कई बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो मीठे परवर है उसे लोग बड़े शौक से सब्जी बनाकर खाते हैं। तो आज मैं आपको जंगली कड़ू परवर के फायदे के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों यह जंगली कड़ू परवर हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और इसके सेवन से हम किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपको यह जंगली परवर कहीं भी मिल जाए तो इसके छोटे छोटे कच्चे कच्चे फल को तोड़कर आप अपने घर ले आइए और उसे पतले पतले बारी बारी कतरा कतरा काट दीजिए और काट कर छांव में सुखा लीजिए। जब यह जंगली परवर का फल सूख कर पापड़ जैसा हो जाए तो इसे कूट कर पीस कर पाउडर बना लीजिए। फिर इसका आप इस्तेमाल कीजिए 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को कच्चे परवर के पाउडर, तो डायबिटीज शुगर में फायदेमंद होगा। इसके सेवन से डायबिटीज नॉर्मल रहेगा। दोस्तों ऐसे तो यह कच्चा परवर जब होता है तो हरा हरा होता है और जब पक जाता है तो लाल हो जाता है। बहुत से पंछी इसका सेवन करते हैं, पकने के बाद मीठा लगने लगता है। दोस्तों यह परवर कच्चा रहता है तो बहुत कड़वा रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो बहुत मीठा लगने लगता है। दोस्तों इस कड़ू परवर की जड़ जो है विरेचन है, जुलाब लाने का काम करता है क्योंकि इसका तासीर बहुत ही गर्म होता है। अगर किसी को कब्ज रोग हो तो वह इसके जड़ को खोदकर निकाल ले, धोकर साफ बनाकर सुखाकर पाउडर बनाकर रख ले। 1 ग्राम पाउडर सुबह, 1 ग्राम पाउडर शाम को सेवन करे और ऊपर से गरम गरम पानी पिए तो उसका कब्ज रोग ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके पत्ते भी बहुत फायदेमंद है। आप इसके पत्तों को पीस कर दांत खाज खुजली में, एक्जिमा में, अकवत में, अपरस में लगाते हैं, गजकरण में लगाते हैं तो त्वचा रोग ठीक होता है। दोस्तों इस जंगली परवर की जड़ के राख अगर दांतों में मसाज करते हैं तो दांतों का रोग ठीक होता है, जैसे दांतों से खून मवाद के आना, पैरिया रोग, या फिर दांतों से मुंह को बदबू भी दूर करने का काम करता है इस जंगली परवर की जड़ का जला हुआ राख। दोस्तों इस जंगली परवर के जड़ का चूरन बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाता है, मगर जरूरत के अनुसार उपयोग करने से यह एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि है। तो चलो दोस्तों इस जंगली परवर के महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।